नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी आपके प्रश्नों को लेकर के आपत्ति दर्ज करनी है उसके लेकर के क्या सभी स्रोत हो सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में बात भी की थी कई प्रश्नों को लेकर, जिसमें मैंने कई प्रश्नों को बताया भी था कि आपत्ति दर्ज करने का कोई फायदा नहीं, उन प्रश्नों को भी इसमें हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिन प्रश्नों में हमने कहा था कि नहीं बीपीएससी का आंसर सही है, उन प्रश्नों के भी हमने कहीं ना कहीं से ढूंढ डांट के आपके लिए सारे जितने भी एनसीईआरटी एसईआरटी या किसी अलग अलग बुक से स्रोत हो सकते हैं सब तैयार किए हैं। आपको मेरा उद्देश्य यही है कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर सही हो पाएं, और वो जो वीडियो था वो केवल इंफॉर्मेशन पर्पस से था कि ये आंसर हो सकता है बीपीएससी के द्वारा सही किया गया तो क्यों हो सकता है, वो चीज हमने उस वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जिनके सभी के स्रोत भी हमारे पास हैं, और वो सभी स्रोत आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर आपत्ति दर्ज होगी उतना ही उस प्रश्न के सही होने के चांसेस रहेंगे। बाकी आपको एक एक क्वेश्चन सारे हम दिखाते हैं, और मेहनत हमने ढेर सारी की है इन सभी क्वेश्चनों को ढूंढने के लिए, एकदम आंखें लाल हो गई हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। आंसर इनमें से एक से अधिक दिया गया था, परंतु अगर स्रोत की बात करें तो सबसे पहले कवर पेज आपको अपलोड करना है, तो ये लूसेंट सामान्य ज्ञान जो आप देख रहे हैं इसका कवर पेज हो गया, और इसके अंदर पेज नंबर 53 है। ये बुक 2021 के, क्योंकि लेटेस्ट वाली में आप देखेंगे तो पेज 53 पर आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने बता दिया। तो 53 पेज नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, पहले से सेकेंड लाइन देखेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था। पटना से प्रकाशन ही प्रश्न में पूछा गया, आगे लिखा है कि किसान आंदोलन की पत्रिका थी और राहुल संक्रतायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने थे। और प्रश्न में क्या कह रहा था, संपादक की बात ही नहीं, प्रश्न में कह रहा था कि पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। तो आपका यहां पर सहजानंद सरस्वती को लेकर के आपको आपत्ति दर्ज करनी है, क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ एक और आपके लिए यहाँ पर प्रूफ है, जो कि प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन आ चुका है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, इस चीज को आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैंने बताया था ना दोपहर वाले वीडियो में कि कुछ चीजें हैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हैं, तो आप ये चीज ऐड कर सकते हैं वहां पर। यही सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था, जिसमें आप देखिए कि पत्रिका का जो प्रकाशन किया था उसका नाम हुंकार था, इसको लेकर के बीपीएससी प्री के पेपर में हुंकार को ही सही भी माना गया था। तो इससे आपके जो आपत्ति दर्ज करेंगे उसको और ज्यादा बल मिलेगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। अच्छा, ये चीज हम बता चुके हैं कि जो आपको अपलोड करना है उसमें दो चीज अपलोड करनी, एक तो कवर पेज जो कि अपलोड करना है आपको जेपीजी फॉर्मेट में, और दूसरा आपका जो भी आप बुक को लेकर के या जो भी पेज को लेकर के अपलोड कर रहे हैं, यानी कि जो आधार बनाएंगे ना अंदर की फाइल को, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में, दोनों ही 100 KB से कम होने चाहिए। कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी किसके आधार पर चेंज कर सकते हैं पीडीएफ को, वो सारी चीज हमने दोपहर वाले वीडियो में बात की थी, नहीं देखा हो देख लीजिएगा। स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है, यहां पर आंसर क्या होगा, चेना बांग्लादेश बीपीएससी ने दिया है, पर लदांग मलेशिया आपका सही होगा। इसका क्या स्रोत है, सामाजिक विज्ञान की संसाधन और विकास ही करके बुक है, क्लास 8 की भूगोल की जो है ये पाठ्य पुस्तक है, और इसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 3 है जो कि आपका कृषि चैप्टर है, इस कृषि चैप्टर को लेकर के जब आप जाएंगे तो यहां पर पेज नंबर पड़ा है 43। इस 43 पेज नंबर पर सबसे किनारे पर लिखा है क्या आप जानते हैं, और क्या आप जानते हैं उसमें लदांग मलेशिया सबसे नीचे लिखा हुआ है, तो इसको आप आधार बना करके लदांग मलेशिया को लेकर के यहां पर जो ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं। और ये सारे जितने भी आप फाइल देख रहे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको चाहिए स्पेशली कि मैं आपको सेंड कर दूं तो इंस्टाग्राम पर, मैं यहां पर आईडी दे दूंगा, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहां से मैं आपको भेज दूंगा। अगला देखते हैं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। इसका आंसर मैंने बताया था कि इरविन जो यहां दिया गया वो सही है, परंतु इरविन नहीं, अगर क्योंकि आप लोगों ने कई लोगों का ग्रांट के अलावा पोलक भी दिया हुआ है, या फिर इनमें से एक से अधिक भी है, या इनमें से कोई नहीं भी है, तो यहां पर आंसर जो है इनमें से कोई नहीं का मुझे प्रूफ मिला है। प्रूफ क्या, पहले भी आपको बताया है कि राजकुमार राव जो है उन्होंने आमंत्रण दिया था। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इरविन सही है, मैं इस चीज से सहमत हूं कि इरविन यहां सही है। इसको लेकर के कहानी है, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूं कि लॉर्ड इरविन जो है वो महात्मा गांधी जी जो है उनको चाहते थे मारना, तो उसको लेकर के इन्होंने एक दूध में जहर मिला करके दिया था, और एक बटुक मियां करके कोई व्यक्ति थे उनको जाकर के देने को कहा, पर बटुक मियां ने क्या किया, जानबूझकर दूध का ग्लास
गिरा दिया था, तो वो जो गिरा दिया था वो बाद में ग्लास बिल्ली पी गई थी, दूध का ग्लास, और बिल्ली मर गई थी। तो वो ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो जो प्रयास किया था वो इरविन ने किया था, परंतु मैंने अभी कहा कि हम यहाँ पर बात ये नहीं कर रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में आप क्या आधार बना करके इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन को बना सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर है अतीत से वर्तमान भाग 3 कक्षा 8, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 12 है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। ये एससीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो एससीईआरटी की बुक है, ये चैप्टर आपने देख लिया। इसी चैप्टर में आप देखेंगे 197 पेज जो दे रखा है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। तो इस लाइन को आधार बना करके आप यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर जो पूछा गया था कि गांधी जी के जीवन पर चंपारण सत्याग्रह की घटना, प्रश्न में भी आपसे बात की गई है किसने प्रयास किया था, तो प्रयास क्या वो भी नहीं कर सकते हैं, राजकुमार जी जो है उन्होंने भी तो प्रयास किया था कि चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने बुलाया था बिहार को लेकर के, तो वो भी आप इनमें से कोई नहीं के लिए, क्योंकि ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस चीज को लेकर के करेंगे तो हो सकता है इनमें ऑप्शन इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं भी बदल नहीं सकता है। बाकी मैंने आपको आधार दे दिया, आप अपने अनुसार इसमें डिसाइड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैथे मैग्मोग्लोबिनेमिया इनमें से किस दूषित पानी के पीने के कारण होता है। इसका पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि आंसर जो है नाइट्रेट होगा। कौन सी बुक है, तो एक्चुअल में क्लास 12th की बुक है, ध्यान दीजिएगा क्लास 12th की बुक। जब ऑफिशियल एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि क्लास एनसीईआरटी की जो 12th की बुक है वो केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग करके दोनों चीजें आप देख पाएंगे। पार्ट 1 में ग्रीन कवर पेज है और पार्ट 2 में जो है रेड कवर पेज है। अब ये लेटेस्ट की में है ऐसा तो मैंने आपको दिखा दिया, आप चाहें तो दोनों अपलोड कर सकते हैं, चाहें तो आप सिंगल अपलोड कर सकते हैं पार्ट 2 वाली। तो इसी में ही यूनिट 14 आपका चैप्टर है और इसका चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये चैप्टर का पेज आप देख पाएंगे और इसके अंतर्गत पेज नंबर कौन सा है, तो इसके अंतर्गत पेज नंबर आपका है हिंदी वाला जो पार्ट है उससे पहले इंग्लिश वाला देखिए, 408 पेज है जिसमें आपका साइड में लेड सल्फेट नाइट्रेट ऐसे करके लिखा है। नाइट्रेट में वही चीज लिखी है कि नाइट्रेट की अधिकता से आपका जो ये रोग है ये डिजीज है वो होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, बैक्रेट में लिखा है। ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यही चीज अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो 416 पेज पे, इसी की हिंदी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो 416 पेज पे सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि इसमें नाइट्रेट आधिक्य में होने पर मैथे मोग्लोबिनेमिया ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो सकता है। तो ये हिंदी में भी आप चाहें तो इसको लेकर के आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके दो पेज हैं, पहला पेज जो मैंने आपको हिंदी वाला दिखाया वो पेज नंबर आपका है 416 और उससे पहले 415, क्योंकि जो हेडिंग लिखी हुई है नाइट्रेट वाली वो 415 पेज पे लिखी हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, और लाइक से ज्यादा जरूरी है शेयर, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपत्ति दर्ज करेंगे उतने ही सही होने के चांसेस रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, तो आंसर दिया गया है अमृता देवी बिश्नोई, और इसका आंसर हम जो सबूत देखेंगे वो देखेंगे सुंदरलाल बहुगुड़ा को लेकर के। तो ये रुकमणी पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट वाली वॉल्यूम 2 वाली बुक आती है, सेम क्वेश्चन इसमें भी दिया गया था। वैसे प्रैक्टिस सेट मानते वो नहीं है, तो पहले मैं आपको एक आधार दिखा रहा हूँ, आगे और भी आधार दिखाऊंगा। तो सेम इसमें क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, और आंसर यहाँ पर क्या दिया गया, इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर इन्होंने सुंदरलाल बहुगुड़ा अमृता देवी बिश्नोई सबको मान लिया और इनमें से एक से अधिक को मान लिया, परंतु यही सेम क्वेश्चन आपको एक और मैं आधार दिखाता हूँ जो कि आपका आधार है क्लास 10th की बुक है, बिहार बोर्ड की बुक है जो बिहार की एससीईआरटी की चलती है ना उसमें, तो पेज नंबर 65 आपका पेज नंबर 65 है, और जो बिहार बोर्ड की बुक है इसका पेज नंबर 65 पर अगर आप देखेंगे तो ये पेज आपको देखने को मिलेगा साइड में। इस साइड वाले पेज में चिपको आंदोलन हेडिंग पड़ी हुई है जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुड़ा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो जो लोग चाहते हैं कि सुंदरलाल बहुगुड़ा आंसर हो वो इस पेज को आधार बना सकते हैं, जो लोग चाहते हैं इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही हो वो पहला वाला जो मैंने बताया बुक उसको आधार बना सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर सबने अपना अलग अलग आंसर लगाया होगा, मैंने दोनों का आधार दे दिया, बाकी जो सही होगा आयोग वही मानेगा, मेरे कहने आपके कहने से कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बाकी चिपको आंदोलन के बारे में एक दृश्य लिखा हुआ है और इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि कब क्या शुरू हुआ, तो वो ऐसा नहीं, बस पहली जो पैराग्राफ है ना वही काफी होगा चिपको आंदोलन के लेकर के, क्योंकि उसमें सुंदरलाल बहुगुणा का सीधे सीधे नाम लिखा हुआ है। चलिए 97 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? यहां पर आंसर उन्होंने दिया इनमें से एक से अधिक, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो मीथेन सही होगा। अब मीथेन के लिए ढेर सारी हमने किताबें ढूंढी हैं, पर उस किताब को ढूंढने से पहले सबसे पहले तो इसी प्रैक्टिस सेट में ही आपको दे रखा है इनमें से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। साइड में क्वेश्चन देख पाएंगे, ये वही बुक है जो अभी ऊपर मैंने दिखाई ना, रुकमणी पब्लिकेशन वाली, उसमें देखिए मीथेन आंसर दिया गया है। और बीपीएससी टीचर 125 वॉल्यूम 2 बुक है, कवर पेज आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा और मैंने ऊपर कवर पेज दिखाया भी था। और ये क्वेश्चन हो जाएगा, पेज नंबर इसमें पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 सीधे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको, बाकी प्रैक्टिस सेट का थोड़ा सा कम होगा, आप कोशिश कीजिए कोई ऑथेंटिक बुक। अब ऑथेंटिक बुक को लेकर के थोड़ा सा और सर्च करें था हमने, तो इसमें हमें ये पेज मिला है, हमने एनसीईआरटी में ढूंढा तो वहां नहीं मिला। यहां पर आप देखेंगे बायजूस का एक पेज है जिसमें क्लास 9th बायोलॉजी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लैंडफिल गैस करके, ये इसका सोर्स है और इसी में ही क्वेश्चन लैंडफिल गैस रिकवरी से रिलेटेड पूछा गया है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हैं। परंतु हम देखते हैं इसका सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन, यानी जो इसका आंसर है जिसमें बात की गई लैंडफिल गैस को लेकर के, कि जो मेन गैस होती है लैंडफिल गैस वो आपकी होती है मीथेन गैस, और मीथेन गैस के अलावा जो गैस होती हैं उसमें आपकी जो गैस आती है वो सल्फर डाई, यहां पर जो ऑप्शन दे रखा था देखिए ऑप्शन क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, तो यहां पर सल्फर डाई ऑक्साइड दे रखा है, जबकि जो एक्चुअल में लैंडफिल गैस होती है उसमें सल्फाइड गैस होती है। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर होता है, इसलिए यहां पर इनमें से एक से अधिक ऑप्शन नहीं होगा, और इन्होंने जो आंसर दिया था वो इनमें से एक से अधिक दिया था, तो उस आधार पर काट सकते हैं, आंसर केवल मीथेन होगा। बाकी सोर्स मैंने आपको वो एक दे दिया, उससे आप देख सकते हैं। बाकी दिया तो वेबसाइट पर दिया गया, पर मैंने आपको पहले कहा कि वेबसाइट का आप आधार बना नहीं सकते, आप आधार केवल और केवल बुक का बना सकते हैं। अगर किसी के पास, मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि अगर किसी के पास, जितने भी मैं क्वेश्चन बनाऊं इनमें से किसी के पास इससे अच्छा सोर्स हो, जैसे कोई मैं आपको बता रहा हूं जिसमें इतना बेहतर तरीके से उस चीज को नहीं डिस्क्राइब किया गया है, किसी के पास कोई बुक में अच्छा सोर्स हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि और लोग उसी को आधार बना करके ज्यादा से ज्यादा आपत्ति दर्ज करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया मीथेन होगा, और मीथेन को लेकर के नीचे जो लिखा हुआ है वो भी मैंने दिखा दिया आपको कि मेनली मीथेन होता है और बाकी गैसेस भी होती हैं, परंतु वो जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं लैंडफिल गैसेस में वो ऑप्शन में यहाँ नहीं थी, तो उस आधार पर हमारा केवल मीथेन ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ये सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने आंसर दिया वो सही है, परंतु फिर भी हमने आपके लिए ढूंढा है ढेर सारी चीजों के बाद, तो ये एक बुक देखने को मिली है पलासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, शेखर बंदोपाध्याय की बुक है ये। अब इसके अंतर्गत साइड में नीचे आप जाएंगे तो वहां लिखा है क्लियर तरीके से, नवंबर 2018 में चंपारण कृषि कानून, और पेज नंबर भी इसमें लिखा है गांधीवादी राजनीति का युग, 291 पेज है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखा है नवंबर 1918 में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट के पारित होने के साथ ही ये लक्ष्य पूरा हो गया, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर 1918 नवंबर जो वाला ऑप्शन है उसके साथ यहाँ पर आप जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं, तो यहाँ पर चांसेस आपके रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो प्राइमरी वो जो वाला पेपर था उसमें बॉयज वाली शिफ्ट में जो है वो आया था, तो ये बुक का कवर पेज हो गया, ये आपका हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला मैथ का क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, पी अनुपात क्यू का रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर इनमें से अधिक दिया गया, 55 वाला भी और 110 वाला भी। अब यहाँ पर देखेंगे तो एनसीईआरटी में क्लास 6th चैप्टर है, क्लास 6th में चैप्टर नंबर 12 है और पेज नंबर 201 है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 6th चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 201, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आधार बना करके आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। क्वेश्चन जो है एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 50 और 15 दे रखी है और रेशियो पूछा गया। अब इन्होंने क्या किया, 50 और 15 को रखा है, उसके बाद काटा है और क्या किया उसका टेस्ट फॉर्म लिखा है 10:3। यही तो आपके प्रश्न में भी था कि इन्होंने क्या किया, दोनों अनुपात दिए गए हैं और दोनों अनुपात में से इन्होंने क्या किया, दोनों को सही मान लिया, जबकि यहां पर देखिए 50-15 को आंसर नहीं सही मानकर उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म निकाला है। तो आप आधार बना करके इसमें सेम उदाहरण नंबर 2 में भी देखेंगे तो यहां पर भी 90 सेंटीमीटर 1.5 मीटर का अनुपात पूछा गया है, तो यहां पर 90 और 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में 150 बदला गया, 90/150 करके यहां पर भी शॉर्टेस्ट फॉर्म निकाला गया है। तो ये दो आधार आप बना सकते हैं इसको लेकर के। बाकी
इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मुझे जो मिले वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। बुक के अंतर्गत उदाहरण नंबर जो आपने एक देखा, एक आयताकार वाला, उसी के नीचे और भी उदाहरण है, जैसे एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं ऐसे करके। बाकी अच्छा, मेरे ख्याल से शुरुआत के दो जो उदाहरण मैंने दिखाए वो काफी होंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की जो सतह है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर इसमें गिरेगी दिया गया है, जो मेरे अकॉर्डिंग भी गिरेगी सही लग रहा था मुझे, बाकी मैंने ढूंढा काफी है तो बुक्स में इसको लेकर के कहां पर दिया गया है वो आप देखेंगे। तो साइंस की 9th क्लास की जो है ये बुक है, इसका ये कवर पेज है, और इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर आपका 22 पेज नंबर है, और 22 पेज नंबर पर ये साइड में आप देख पाएंगे कीप बनी हुई है, पृथक्करण कीप, मिट्टी का तेल, जल, स्टार कार्क, तो इस तरीके से जो है दिया हुआ है। इसी का ही इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसमें पेज नंबर 13 पर है, और इसमें इसी को लेकर के बात की गई है, चित्र भी देख सकते हैं, तो इसको आधार बना करके आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। परंतु अगर प्रश्न में ध्यान देंगे तो प्रश्न में एक थोड़ा सा पॉइंट जो लिखा गया है कि मिट्टी के बर्फ के पिघलने पर पूछा गया था मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, तो बस यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, पिघलने को लेकर के जो बात की गई ना यहीं पर आंसर गिरेगी वाले में चांसेस ज्यादा है। तो बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि जो मैंने आंसर बताए थे पहले वाले वीडियो में वो मेरे अकॉर्डिंग सही थे, इस वीडियो में मैंने सभी को लेकर के जो मैंने बताए भी थे कि हाँ ये सही है गलत है उन सभी का आधार दे दिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग आपत्ति दर्ज करें और जो भी नंबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकते हैं वो आपके बढ़े। सारे क्वेश्चन जितने अभी तक हमने ढूंढे थे वो सब आपको बता दिए, कुछ और क्वेश्चन रह गए होंगे, हो सकता है 52 में रह गए होंगे, वो सब कमेंट में बता दीजिएगा। कल भी आपकी आखिरी तारीख है जो भी आपको आपत्ति दर्ज करानी है, तो जो बचेगा वो हम कल आपको बता देंगे। और आज और अच्छा एक चीज और मुझे याद आ गई बहुत अच्छी, कि आप लोग एक गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं, वो गलती क्या है कि जैसे ही आप ऐड करते हैं, मैंने बताया था ऐड करने को लेकर के आपको क्वेश्चन ऐड करना होता है, ऐड करने के बाद सबमिट पर लोग क्लिक कर दे रहे हैं, सबमिट नहीं करना है, जब आप सेव करेंगे तो वो एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और एक टैब खुल करके आ जाएगा, उस टैब पर जो जो सारी डिटेल मांगी गई साइड में सेव करेंगे, सेव के सबसे नीचे जाकर के सबमिट लिखा रहता है, सबमिट पर अगर आपने क्लिक कर दिया मतलब क्या है आपका अब और कोई क्वेश्चन नहीं ऐड कर सकते हैं, वो चांस खत्म हो जाएगा। 2-3 लोगों से बात मेरी इंस्टाग्राम पर हुई थी, उनके द्वारा यही कहा गया कि अब उनके में यही शो कर रहा है, साइड में आप एक मैसेज देख पाएंगे कि अब उनका जो भी आपत्ति दर्ज करने वाला था प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। तो सबमिट नहीं करना है, केवल सेव करना है, सेव कर करके एक से अधिक प्रश्नों को जोड़ना है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बाकी कोशिश कीजिएगा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और यदि किसी प्रश्न का आपत्ति दर्ज करने के संदर्भ में कोई बढ़िया सोर्स मिल जाए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, और जो भी यहाँ पर मैंने सारी चीजें दिखाई इनमें से कोई भी आपको इमेज या किसी भी चीज को चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, vimal17z करके आप सर्च कर लीजिएगा, बाकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।